Ubiquitous cloud and internet of things, and in that we also discuss about how we can use cloud for internet of things. In today's class we are going to discuss about first we complete the remaining part of the ubiquitous cloud and the internet of things, and later on we will go to layers and types of cloud. Okay, so visible doc file is visible, सभी को दिख रहा है डॉक फाइल? यस सर। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आईओटी के बारे में पढ़ा था, आईओटी के एडवांटेजेस के बारे में देखा था कि हाउ वी कैन यूज क्लाउड फॉर दी आईओटी, कौन कौन से हमारे बेनिफिट्स हैं, व्हाई वी यूज दी आईओटी, व्हाई वी यूज दी क्लाउड फॉर दी आईओटी। उसमें इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ द आईओटी, तो क्या आईओटी के डिसएडवांटेजेस है, तो हमने देखा था कि बेसिकली आईओटी डिवाइसेस यूजेस सेंसर्स, है ना। हमारे चार जो मेन कंपोनेंट है आईओटी के, वो चार मेजर कंपोनेंट जो है वो हमारे सेंसर्स, डिवाइसेस, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग एंड यूजर इंटरफेस है। तो यूजर इंटरफेस का मतलब है कि यू आर यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि हाउ योर डेटा इज गैदर्ड, कैप्चर्ड, है ना, एंड देन व्हाट आर द कनेक्टिविटीज, ओके, तो हाउ यू डू द कनेक्टिविटी ऑफ द आईओटी डिवाइसेस विद द एप्लीकेशन एंड फर्दर विद द क्लाउड, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईओटी इज योर सेंसर और डिवाइस From which we are sensing the data. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सेंसर, जैसे अगर हमारी स्मार्ट वॉच की बात करें तो स्मार्ट वॉच के अंदर भी सेंसर है जो कि ह्यूमन बींग की पल्स रेट को, ठीक है, हार्ट रेट को, क्या है, वॉकिंग को, ये सबको कैप्चर कर रहा है। तो सेम चीज क्या है, मोबाइल के अंदर भी हम ट्रैकर को यूज कर सकते हैं, GPS ट्रैकर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और भी सेंसर्स हम यूज कर सकते हैं जो कि क्या करेगा कि ह्यूमन के कितने वॉक किया, वॉकिंग एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने उसने स्टेप्स वॉक किया, तो ये सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है टू गैदर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, क्लाउड के अंदर सेव करते हैं। अब जब हम ये इंफॉर्मेशन को क्लाउड पे सेव करते हैं तो उस देर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस आल्सो, एडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं और चैलेंजेस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेटा है, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 24/7 क्या है, डेटा जनरेट हो रहा है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज और वो हमारे क्लाउड पे स्टोर हो। तो उस कंडीशन में हाउ यू विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑन द डेटा, how you will ensure that this data is authenticated data or it is coming from the legitimate resources, okay। to yahan pe jo first disadvantage jo hai wo security ka hai, to IoT technology creates an ecosystem of connected devices, okay। however during this process the system may offer little authentication control despite sufficient security measures, hai na। to yahan pe security measure, क्योंकि हमारा डिवाइस क्या है 24/7 चलना चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बताया था कि पावर सप्लाई, कि कई बार क्या होता है आईओटी डिवाइसेस को पावर सप्लाई अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ब्रेक हो गया। मान लो अगर आपको स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच को आप टाइम टू टाइम चार्ज नहीं करोगे, ठीक है, बैटरी से चार्ज नहीं करोगे तो क्या होगा, उस टाइम का डेटा जो है ह्यूमन बीइंग का वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हेल्थ केयर से रिलेटेड सफिशेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, जो कि डेटा एनालिटिक्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। तो सिक्योरिटी इज वन इम्पॉर्टेंट टास्क, कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑन द डेटा
ठीक है, और हाउ यू विल एंश्योर दैट द डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज आर जेन्युइन डेटा. सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ आईओटी इज प्राइवेसी. सो द यूजर ऑफ आईओटी एक्सपोजेस ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा. ओके, तो हम क्या कहते हैं, हर एक यूजर की अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं. तो कई बार क्या होता है कि हमारी पर्सनल डिटेल्स के बेसिस पे क्या होगा कि अगर जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो डेटा को हमारा कैप्चर कर रहा है, कैप्चर करने के बाद क्या हो रहा है, हमारे हमें कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस आ रहे हैं बाय मेल और बाय मैसेजिंग. दे आर इंफॉर्मिंग दैट योर हाउ यू बर्न दिस मच ऑफ कैलोरी, योर स्टेप्स आर दिस, योर हार्ट रेट इज दिस, योर पल्स रेट इज दिस. सो ये सो मैनी इंफॉर्मेशन कमिंग रिलेटेड टू योर योर पर्सन पेशेंट. ठीक है, पेशेंट के लिए या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई भी मॉनिटरिंग सिस्टम है तो उससे डेटा हमारा जनरेट हो रहा है. तो उस कंडीशन में ऐसा ना हो कि वो डेटा हमारा क्या सेल आउट हो जाए, किसी और पर्सन किसी और थर्ड पार्टी को वो डेटा हमारा क्या हो सेल हो और वो क्या हो फिर हमको बार बार इंफॉर्म कि उसको पता चल गया कि दिस पर्सन है और दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल गिव दी एडवर्टीजमेंट टू योर मेल और दे मे ट्राई टू थैप्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को थैप्ट करने की कोशिश करेगा. तो ये एक मतलब एक वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी. ठीक है, तो द यूज ऑफ आई ओ टी एक्सपोजेस अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा इन एक्सट्रीम डिटेल्स विदाउट द यूजर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन. दिस क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्राइवेसी. ओके, तो ये एक चीज समझ में आ गई होगी. Flexibility disadvantage, there is a huge concern regarding the flexibility of an IoT system. It is mainly regarding integrating with another system as there are many diverse system involved in the process. अब एक चीज़ है, मैंने अपने लिए एक IoT device लिया, स्मार्ट वॉच लिया. जब वही स्मार्ट वॉच को मेरी जगह कोई और दूसरा पर्सन यूज करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी हर्ट रेट, उसके पल्स रेट, ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो गई. तो इससे यूजर टू यूजर मिसमैच हो गए. ठीक है, तो डिवाइसेस की के डेटा क्या हो गया, अनऑथेंटिकेटेड डेटा जो है वो क्या हो रहा है, क्लाउड पे पहुंच रहा है. तो वो एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी तो है डिवाइस की, लेकिन क्या है, एक ये एक प्रकार से चैलेंज भी हो गया कि आपके डिवाइस को किसी और ने यूज कर लिया और उससे जो डेटा जनरेट हो रहा है वो आपके एग्जिस्टिंग डेटा के साथ वेरिएशंस क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण डेटा की एक्यूरेसी और जो रिजल्ट का पर्टिकुलर कंक्लूजन है वो निकल के नहीं आ रहा. ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्सिटी. द डिजाइन ऑफ आईओटी सिस्टम इज ऑल्सो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. मोरओवर इट इज डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस ऑल्सो नॉट वेरी. ये भी चीजें हैं क्योंकि आईओटी डिवाइसेस के अंदर सिक्योरिटी की बात करते हैं हम, आईओटी डिवाइसेस के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके टेस्टिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं कि हाउ यू विल टेस्ट दी पर्टिकुलर आईओटी डिवाइस. ओके, तो वो चीजें हैं कि अल्टीमेटली वी कैन से दीज आईओटी सिस्टम्स विच वी डिजाइन फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम आर वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर डिप्लॉयमेंट एंड द मेंटेनेंस एज वेल एज द टेस्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंप्लायंसेस. तो कंप्लायंसेस, आईओटी हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. हाउएवर बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी द टास्क ऑफ कंप्लायंस इज क्वाइट चैलेंज. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना भी एक चैलेंजिंग. तो दीज आर दी फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ द आईओटी. ओके, तो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर आईओटी आईओटी सिस्टम. तो डिजाइन प्रोडक्ट फॉर रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी. Use strong authentication and security protocols. है ना, तो जो आई ओ टी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे सब्जेक्ट, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं. जैसे MQTT प्रोटोकॉल यूज होता है और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं. तो वो बहुत सारे टाइप के सेंसर्स यूज होते हैं. ठीक है, so use strong authentication and security protocols we have to use. Design product for reliability and security. So hame product jo design karna hai wo reliable hona chahiye aur secure hona chahiye. Disable non essential services, jo bhi essential services nahi hai unko hame use karne ki zarurat nahi hai. Jaise hamare mobile bhi hum jab use karte hain to usme bahut sari
परमिशंस होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोई आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसको हर तरह की परमिशन दो। सम टाइम्स ऐप रिक्वायर द कैमरा, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, मैसेज, जबकि वो चीज़ों की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, तब भी हम अननेसेसरी उनको दे देते हैं। तो ये कंडीशन में क्या होता है, डेटा थेफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंश्योर इंटरनेट मैनेज्ड एंड आईओटी मैनेजमेंट हब हब्स एंड सर्विसेज आर सिक्योर। तो जो भी इंटरनेट हम सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम आईओटी मैनेजमेंट हब्स पे यूज कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। नाउ द एल्गोरिथम विच वी आर यूजिंग, जैसे कि आईओटी के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अदर टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, तो वो एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, शुड बी डिजाइन फॉर द सिस्टम टू बी एक्टिव लॉन्ग। ओके, तो दीज आर दी सम बेसिक प्रैक्टिसेस वी शुड फॉलो व्हाइल वी डिजाइन दी आईओटी डिवाइसेस। ओके, नाउ द समरी, समरी क्या है, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस ऑल, है ना, तो वही चीजें पॉइंट वाइज दे दिया कि इंटरनेट समथिंग क्या है, कि इंटरनेट ऑफ थिंग इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और पीपल कॉल्ड थिंग्स दैट आर एम्बेडेड विद सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, सेंसर्स विच अलाउ दिस ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी। द एक्चुअल आइडिया ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस वाज प्रपोज्ड इन 1970s। फिर द फोर की मेजर कंपोनेंट ऑफ द आईओटी इज द सेंसर्स, देन द कनेक्टिविटी, डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड यूजर इंटरफेस, ये भी हमने डिस्कस किया। एप्लीकेशन ऑफ द आईओटी इज लाइक स्मार्ट थर्मोस्टेट्स में कनेक्टेड कार्स, एक्टिविटी ट्रैकर्स, स्मार्ट आउटलेट्स एंड कनेक्ट हेल्थ, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशंस, इम्प्रूव डेटा कनेक्शन, तो ये वी कैन डू दिस थिंग्स, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, इम्प्रूव डेटा कनेक्शन, रिड्यूस वेस्ट, इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट आर की बेनिफिट्स ऑफ आईओटी। ओके, देन सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉम्प्लेक्सिटी, प्राइवेसी, कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्लाइंस आर की चैलेंजेस फॉर आईओटी। ओके, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट कर ली है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, तो आप लोग इस जो आपको मैंने क्लासरूम के अंदर नोट्स भेजे हैं उससे आप पढ़िए, अगर यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछिए, और कुछ वीडियोस मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूँ, है ना, तो उससे भी आप उनको पढ़ते रहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हेलो हेलो, यस सर। हाँ बताओ बेटा। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के पार्ट को डिस्कस किया था, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड यूनिट। ओके, तो सेकेंड यूनिट में हमारे बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्लाउड के बारे में पूछा कि एथिकल इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है, यूबीक्विटस क्लाउड क्या है, व्हाट इज क्लाउड, व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड, तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि आपके मिड टर्म भी आपके शायद थर्ड थर्ड मई के बाद स्टार्ट होंगे, है ना, 3 मई से 12 मई के बीच में, तो आप प्रिपेयर्ड होंगे अकॉर्डिंगली, है ना। नाउ नेक्स्ट इज दी योर यूनिट सेकंड के अंदर हमारे क्लाउड आर्किटेक्चर है, पहला पार्ट है कि व्हाट इज द क्लाउड आर्किटेक्चर, फिर उसके बाद व्हाट आर द वेरियस लेयर्स इन द क्लाउड, एंड देन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो लेयर्स का मतलब कि क्या होता है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड, व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। तो हमने देखा था कि जो मेजर सर्विसेज हैं क्लाउड के द्वारा जो प्रोवाइड की गई है, हाँ, जो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो हमको प्रोवाइड करता है, वो हमारी बेसिकली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है जो सबसे टॉप मोस्ट में होती है, फिर उसके बाद हमारी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होती है, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेस। तो हम कह सकते हैं कि जो हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेस है,
जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ द कंप्यूटेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म, हाउ द डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एंड हाउ द कम्युनिकेशन विल बी हेल्ड बिटवीन दी कंज्यूमर्स एंड दी सर्विसेस, ठीक है, सर्विसेस और वी कैन से क्लाउड। तो सबसे टॉप लेवल पे हम कहें तो सर्विसेज के फॉर्म में जो है वो सॉफ्टवेयर एज सर्विस एस ए एस, फिर प्लेटफॉर्म एज ई एस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस एज सबसे बॉटम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब कि इट इज़ अ बैकबोन टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। तो किसी कस्टमर को क्या है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस चाहिए होती है, किसी सर्विस कस्टमर को प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस चाहिए और किसी को सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस चाहिए। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब क्या है कि वो केवल जो एप्लीकेशन डेवलप्ड हैं जो कि रिसोर्स पूल क्लाउड के अंदर अवेलेबल है, उन रिसोर्स पूल्स में से वो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके उसको वो यूटिलाइज करना चाहता है। और यहाँ पे जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विस को कंज्यूमर को देता है ऑन द बेसिस ऑफ रेंट बेसिस पे और पे पर यूज के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम एक लोअर लेवल पे की बात करें कि लोअर लेवल पे जो हार्डवेयर क्लाउड के अंदर की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के अंदर जो रिसोर्सेज है लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, बट वी हैव टू प्रोवाइड द मैनी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, मिनिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज बाय द स्टैंड अलोन सिस्टम, सिस्टम मतलब रिसोर्सेज। तो इन दैट केस वी व्हाट वी डू द वर्चुअलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। वर्चुअलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम जैसे हमारे सिस्टम की एक कैपेसिटी है ना, हमारे एक लैपटॉप की या हाँ डेस्कटॉप जो हमने परचेज किया है या मोबाइल हमारे पास है उसकी एक कैपेसिटी है कि उसके अंदर जो स्टोरेज है वो एक पर्टिकुलर मान लो 500 GB या 1 TB का है, या और अगर तो उस कंडीशन में 500 GB के एक किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को दे देंगे और उसको अगर उतनी स्पेस की जरूरत नहीं है तो जो स्टोरेज है वो वेस्टेड चला है। तो व्हाट वी कैन डू द पार्टीशनिंग ऑफ द स्टोरेज, है ना। हम हमारे जैसे डेस्कटॉप के अंदर या लैपटॉप के अंदर वेरियस टाइप के ड्राइव्स बना देते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, बी ड्राइव, ठीक है, एफ ड्राइव, है ना, ई, एम, जी, एस, इस तरह से हमने जितनी भी ड्राइव हमें जरूरत उतनी बना ली। तो हम क्या करते हैं सी ड्राइव को कोर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रख लिया, डी ड्राइव में हमने सॉफ्टवेयर रख लिया, ए ड्राइव में हमने मूवीज वगैरह रख लिया, एफ ड्राइव में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख लिया, ठीक है, इस तरह से हमने डी ड्राइव में, है ना, ई ड्राइव में हमने कुछ हमारे सॉफ्टवेयर जिसको हम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं वो रख लिए, ऐसे ऐसे या इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर ये सब रख लिए। तो ऐसे हमने क्या करा पार्टीशनिंग कर दी हमारा, एक तो ये हो गया हमारा स्टोरेज पार्टीशन, है ना। अब सिमिलर स्टोरेज पार्टीशनिंग फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, सिमिलरली क्लाउड के अंदर भी क्या होता है जो स्टोरेज है उसको भी हम वर्चुअलाइज करते हैं। तो अगर मेरे पास अगर 500 GB है या 1 TB का डेटा है, 1 TB का स्टोरेज है, तो उसको भी मैं क्या करूँगा पार्टीशन करूँगा। पार्टीशन करूँगा मतलब कि एक कंज्यूमर की कितनी रिक्वायरमेंट है उस स्टोरेज के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में उसको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है तो उसमें कितनी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट उसको है उसके हिसाब से मैंने उसको उतना स्टोरेज उस स्टोरेज में से दे दूंगा। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल 500 GB का लिया क्योंकि हमारे पास डेटा जो है स्टोरेज जो है वो पीबीज में होता है क्योंकि हमारा डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड बेसिकली क्लाउड स्टोरेज कंटेंट इज अ डेटा सेंटर, ठीक है। और उस डेटा सेंटर के अंदर हमारे बहुत सारे स्टोरेज यूनिट्स कनेक्टेड हैं और तो यहाँ पे हम बहुत सारा ह्यूज डेटा जो है वो हमारा बिग डेटा जो है वो हम यहाँ पे कंज्यूमर का स्टोर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जिस तरह के कंज्यूमर की जरूरत है, कंज्यूमर को जितने भी स्टोरेज की जरूरत है उसके हिसाब से हमने उसको एलोकेट कर दिया। एक प्रकार से इट इज द पार्टीशनिंग ऑफ द स्टोरेज। तो हमने क्या किया अल्टीमेटली है क्या स्टोरेज तो हमारा एक ही है, सिंगल है, बट हमने क्या किया उसको पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन कर दिया मतलब लॉजिकली पार्टीशनिंग कर दी, है ना। है तो वो एक ही स्टोरेज, हमारी हार्ड डिस्क भी एक ही है, उसके अंदर स्टोरेज भी अगर हम बात करें तो 0 से लेके 500 GB तक का है। अब उसमें मैंने 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, इस तरह से लॉजिकल पार्टीशनिंग कर। अब उस पार्टीशनिंग में मैंने क्या करा कंज्यूमर को जगह, तो
तो वो पार्टीशनिंग मैंने इज कंसीडर एज अ वर्चुअलाइजेशन ऑफ द मेमोरी, दैट इज नोन एज अ वर्चुअलाइजेशन ऑफ द मेमोरी. सिमिलर थिंग व्हाट वी कैन डू इफ यू वांट टू इंस्टॉल टू ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर सिस्टम, तो वो दो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कैसे इंस्टॉल करेंगे. अगर मुझे विंडोज भी चाहिए लिनक्स भी चाहिए लेकिन हार्ड डिस्क तो सिंगल है, तो उस कंडीशन में हम एक ड्राइव में विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं, एक ड्राइव में लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, बूटिंग टाइम पे पूछेंगे कि यू वांट टू वर्क ऑन अ विंडो और लिनक्स, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल चेंज, है ना. तो सिमिलरली वर्चुअलाइजेशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, वी वर्चुअलाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर, ठीक है. तो ये हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं रिक्वायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है. एक सिस्टम की अगर हम सबको समझ लेते हैं तो उसी तरह से हम क्लाउड को भी समझ सकते हैं. क्योंकि कुछ कंज्यूमर होंगे बोलेंगे आई वांट टू वर्क ऑन विंडोज, आई वांट टू वर्क ऑन मैकिंटोस, आई वांट टू वर्क ऑन लिनक्स, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज बिकॉज वी आर द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. And we have to provide services to our consumers. Okay. और वहाँ पे हम वो किस तरह की services चाहिए, infrastructure as a service चाहिए, मतलब कि they are requiring hardware type of services, they are requiring storage type of services, they are requiring computational related services, ठीक है, जहाँ पे processing perform हो, ठीक है, जहाँ पे huge data में processing हो, तो हमारे system तो वैसे ही डप हो जाएगा कि अगर जब ज़्यादा data आएगा और उस पर processing करनी है तो वो analysis नहीं कर पाएगा, है ना. इसीलिए आजकल के जीपीयू सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, वर्क स्टेशन बोलते हैं, तो वो उस पर्पज के लिए हमारे यूज होते हैं. तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऑफरिंग वर्चुअलाइज रिसोर्सेज, ओके, अब तो समझ में आ गया होगा, ऑफरिंग वर्चुअलाइज रिसोर्सेज लाइक कंप्यूटेशन स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन ऑन डिमांड इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ओके. अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल्स ऑन डिमांड प्रोविजनिंग ऑफ सर्वर्स रनिंग सेवरल चॉइसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आर कंसीडर्ड टू बी द बॉटम लेयर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम. तो ये याद रखने की बात है कि सबसे बॉटम लेयर पे जो है वो हमारा क्या है, सबसे बॉटम लेयर पे हमारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस, ठीक है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में हमारा आईएएस सबसे नीचे आएगा, उसके बाद हमारा पीएएस आएगा, और उसके बाद सबसे टॉप लेवल पे जो आएगा वो हमारा ऐसे है. दीज आर दी बेसिकली सर्विस लेयर, ठीक है. तो किस तरह के कि सर्वर्स है, सर्वर भी क्या होता है कि मैं वो चाहता हूँ कि मेरा डेटा सिक्योर हो, तो सिक्योर सर्वर चाहिए. तो सिक्योर सर्वर क्या हो सकता है कि वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है, कोई विंडो पे कर रहा है, कोई लिनक्स पे कर रहा है, कोई मैकिंटोस पे कर रहा है, सोलिस पे कर रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज कर सकते हो. तो हमने बोला कि नहीं हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो हमने लिनक्स को सेलेक्ट किया, ठीक है. नेक्स्ट, यूजर्स आर गिवन प्रिविलेज टू परफॉर्म न्यूमेरस एक्टिविटीज टू द सर्वर्स सच एज स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग इट, कस्टमाइजिंग इट बाय इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस, अटैचिंग वर्चुअल डेस्क टू इट एंड कॉन्फिगरिंग एक्सेस परमिशन एंड फायरवॉल. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें क्या कहते हैं, बहुत सारी प्रिविलेजेस देगा. जब हमने सर्विसेज को परचेज कर लिया और उसको हमने पे पर यूज के हिसाब से या जो भी हमारा एसएलए है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से जो भी हमने डिसाइड किया है, अकॉर्डिंग टू दैट क्या होगा कि हम उस तरह की सर्विसेज को, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कोई भी सर्विसेज को मुझे एक्सेस करना है, चाहे ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करूंगा या कोई अपने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके करूंगा, तो एक हमें यूआई मिलेगा, यूजर इंटरफेस मिलेगा. जैसे मैंने आईओटी के अंदर बताया था यूजर इंटरफेस, उस यूजर इंटरफेस के अंदर ही हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी कि आप सर्विसेज को कैसे स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और स्टॉप कब करोगे, कौन कौन से पैकेजेस उसके लिए रिक्वायरमेंट है. तो ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन क्लाउड एंड यू विल इंस्टॉल एज पर योर नीड्स, यू कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. Now,
तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में जैसे कि हम देख सकते हैं कि डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है ना, और या फिर हमारा कह सकते इक्विपमेंट्स हैं उनको मैनेज करना, वर्चुअलाइजेशन को करना, वर्चुअलाइजेशन समझ में आ गया होगा आपको, तो वर्चुअलाइजेशन करना, वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारे हार्डवेयर है उसको मल्टीपल यूजर्स के हिसाब से वो करना एंड सिस्टम की इंजीनियरिंग करना, हमारे क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस के अंदर हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स करते हैं। द नेक्स्ट इज द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये बॉटम लेयर है, और बॉटम लेयर कोई भी चीज जो है सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन है, आईडीई है, वो सब चीजें क्या होगी प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंस्टॉल हो, तो ये हमारा क्या हो सकता है एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने का मतलब क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी अपना एक एब्स्ट्रैक्शन है, लेकिन जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वो हमारे को हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सपोज दैट कोई कंज्यूमर वो चाहता है कि मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं परचेज करना चाहता, मैं अपनी कंपनी के में जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता हूँ उसके लिए जो भी चीज़ें प्लेटफॉर्म की जरूरत है, मतलब जावा में बनाना चाहता हूँ कोई एप्लीकेशन या .NET में बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है मुझे सर्वर चाहिए जो कि रन करे, एक आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर को बना सकूँ फिर उनको रन कर सकूँ, तो ये सब चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं अपने सिस्टम को लाइट वेट रखना चाहता हूँ, मेरे सिस्टम पे इतने इसको हैवी कंपोनेंट को इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हैवी कंपोनेंट इंस्टॉल कर लूंगा तो मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, तो इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं क्लाउड के अंदर सब कुछ चीज कर, मैं अपने सिस्टम को केवल हम मैं अपने सिस्टम को लाइट वेट बना रहा हूँ, आई एम यूजिंग ओनली द वेब ब्राउजर एज वेल एज इंटरनेट कनेक्शन थ्रू विच आई विल एक्सेस द सर्विस एज प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज को यूज करते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में बहुत सारी चीजें होती है, क्या होती है एक तो हमारे सॉफ्टवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है टू डेवलप फॉर आवर पर्पस, कि हमें कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो देयर आर पूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑन दी इन दी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पूल, ठीक है, जो कि जिसमें से जो भी हमें चाहिए वो हम क्या करेंगे उसके लिए हम पेपर यूज के हिसाब से लेंगे। उसके बाद बहुत सारे डाटाबेस हो सकता है कि हम हमारे सिस्टम में एक दो डाटाबेस को इंस्टॉल कर लें, ओरेकल का डेटाबेस इंस्टॉल कर लें या MySQL का इंस्टॉल कर लें, लेकिन अल्टीमेटली है क्या हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, DB2 होगा, ठीक है, पोस्टग्रेस है, तो सो मैनी डेटाबेस, MongoDB है, कैसेंड्रा है, सो मैनी डेटाबेस आर अवेलेबल, तो हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से किस तरह का डेटाबेस हमारे लिए सुटेबल है इट इज अवेलेबल इन द क्लाउड, ठीक है। हमारे सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद फिर हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा हैवी वेट, क्योंकि कोई भी एक सॉफ्टवेयर को कोई भी एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म डेवलप करना होगा, प्लेटफॉर्म डेवलप करना मतलब कि जावा में इंस्टॉल करना है तो आईडी चाहिए, जावा चाहिए, ठीक है, डेटाबेस चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास है, तो वो सब चीजें मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम में। फिर दूसरे चैलेंज आता है कि वेदर माई सिस्टम इज कंपेटेबल विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके बाद किसी तरह का कोई अपडेट आता है तो क्या वो अपडेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर में, ये चीजें होती है, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। दूसरी चीज है कि मैंने एप्लीकेशन बनाया तो उसको होस्टिंग से रिलेटेड चैलेंज होगा कि मैं कहाँ पे उसको अपलोड करूँ, किस प्लेटफॉर्म पे मैं अपलोड करूँ, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के किस सर्वर पे मैं अपलोड करूँ, तो ये सब चैलेंजेस है जो कि हम ऑलरेडी क्या कर सकते हैं इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफर्स एन एनवायरमेंट ऑन विच डेवलपर्स क्रिएट्स एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस एंड डू नॉट नेसेसरी नीड टू नो हाउ मेनी प्रोसेसर्स और हाउ मच मेमोरी दैट एप्लीकेशन विल बी यूज, तो एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्शन हो गया कि कितने प्रोसेसर उसके लिए लग रहे हैं, कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, हम इस चीज के को क्या कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हिडन कर रहे हैं, तो इट इज अ अप्रोच टू ऑफर अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू मेक अ क्लाउड इजिली प्रोग्रामेबल एंड इट इज नोन एज प्लेटफॉर्म ऑफ द सर्विस।
service. Okay. So in addition, multiple programming models and specialized services like data access, authentications, payments are offered as building blocks to a new application. तो ये बहुत सारे जो advantages हैं जो हमें platform as a services मिलते हैं, तो consumer can select such type of services for their benefits. ठीक है, तो ये platform as a services है. तो इसमें आप देख सकते हो कि you can opt the operating system, you can opt the database, you can opt the softwares, you can opt the hosting platform, you can opt the network access, you can implement security mechanism, you can do write the scriptings. ठीक है, तो there are so many scripting languages are there, so you can write the scriptings out. So these are all about the platform as a service. Okay, now the top level of the stack, cloud stack, is basically software as a service, है ना. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास pools of the softwares available है जो कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, या फिर हमारे बिजनेस के रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या उनको हम ऑर्डर कर सकते हैं कि हमारे हमारे बिजनेस ये बिजनेस है और इस बिजनेस के हिसाब से यू हैव टू डेवलप दिस बिजनेस अप्लीकेशन. तो ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है. तो जैसे हम देखते हैं कि गूगल है, तो गूगल हमारे को जीमेल पे, जीमेल जब हम ओपन करते हैं या गूगल हम ओपन करते हैं, तो कोई भी वर्ड फाइल को रीड करना है या पीडीएफ फाइल को रीड करना है, तो क्या है, वी कैन ओपन दैट फाइल इन द ब्राउजर इटसेल्फ, इवन दो दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल और इंस्टॉल इन अवर सिस्टम. ठीक है, तो ये चीजें हैं. तो ये क्यों, कैसे पॉसिबल है, दीज पॉसिबल ओनली बाय द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक गूगल एप इंजिन. ठीक है, या गूगल गूगल जीमेल, उनके थ्रू जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हम उन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो एप्लीकेशन रिसाइड्स ऑन द टॉप ऑफ द क्लाउड स्टैक, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस लेयर कैन बी एक्सेस बाय एंड यूजर्स थ्रू वेब पोर्टल्स. देयरफॉर कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग फ्रॉम लोकली इंस्टॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सर्विसेज दैट ऑफर द सेम फॉर्म. ओके, तो यही चीज है कि हम हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल ना करते हुए एप्लीकेशन को क्या करना है, वी आर गोइंग थ्रू ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सर्विसेज. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास पाइथन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल कोलैब का यूज कर सकते हैं टू डू दी प्रोग्रामिंग, है ना, कर सकते हैं. देयर आर सो मैनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, लाइक कि अगर हमें सी के प्रोग्राम को रन करना है तो हम ऑनलाइन विदाउट इंस्टॉलिंग सी Turbo C or any editor, we can use online editor to write our program and run it. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे platforms available हैं as a software as a service. ठीक है, traditional desktop applications such as word processing and spreadsheet can now be accessed as a service in the web. यही चीज हम बात कर रहे थे. This model of delivering applications known as software as a service. ठीक है, तो eases the burden of software maintenance for consumers and simplifies development and testing for providers. ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी क्या है, तो ultimately जैसे Google Play Store है तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे apps है, है ना. तो आजकल Windows 10 में भी हम क्या कहते हैं, जितने भी हमारे software हैं उनको क्या कहते हैं, apps कह देते हैं. ठीक है, these are the apps. तो वही चीजें हैं, पहले सॉफ्टवेयर कहते थे, एप्लीकेशन कहते थे, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल एब्रीविएशन एप्स कहते हैं. तो हमारे क्या है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारे एप्स इंस्टॉल हैं, तो वहां से भी हम ले लेते हैं, तो वो भी क्या है, तो पूल्स ऑफ दी सॉफ्टवेयर्स, तो वो भी हमारा गूगल प्ले स्टोर भी एक हमारे पास एक कह सकते हैं कि इट इज अ क्लाउड. ठीक है, तो दिस मॉडल ऑफ डिलीवरिंग एप्लीकेशन नोन एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इजेस द बर्डन ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फॉर कंज्यूमर्स एंड सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फॉर providers. Okay, so we can access the application from the various sources, various devices like mobiles, like your laptop, like your desktop, okay, your PCs, okay, so there databases hain, hum HTML ko use kar sakte hain, app servers ko use kar sakte hain, bahut sara. To ye softwares aap dekh sakte hain as a service, chahe marketing ho gaya, blogs hain, emails hain, websites hain, hosting hai, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम है,
है ना, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है, ई कॉमर्स साइट्स है, तो वर्क वर्क वर्ड प्रोसेसिंग है, फैक्स है, पीडीएफ रीडर्स है, ये सब चीज़ें क्या है कि दीज आर दी बेसिकली सॉफ्टवेयर ए सर्विसेज अवेलेबल होंगे क्लाउड, एनी वन कैन एक्सेस, सम सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज कैन बी एक्सेस बाई एनी वन, एंड ऑल्सो द सर्विसेज विच आर चार्जेबल वी कैन पे एज पर यूज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो सबसे टॉप मोस्ट में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, देन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो सबसे ये लो लेवल है ये एब्स्ट्रैक्शन, हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन, और यहाँ पे हमारे को ओपनली सॉफ्टवेयर अवेलेबल। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंप्लीट एप्लीकेशंस आर अवेलेबल, कस्टमाइज विद द लिमिट, है ना, सॉल्विंग स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स, बिजनेस नीड के हिसाब से विल फोकस ऑन एंड यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, नो नीड टू डायरेक्टली मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, एड्रेस, है ना, APIs आर बिल्डिंग, हायर लेवल एप्लीकेशन, प्री बिल्ड एप्लीकेशन सपोर्टेड, ये सब चीज़ें हमारी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर है। नाउ नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो नो नीड टू परचेस और मैनेज फिजिकल डेटा सेंटर्स, इक्विपमेंट लाइक सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्क, इट इज कि हमारे को हमारे हमारी कंपनी में ये चीज़ों को खरीदने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू जस्ट टेक दी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस फ्रॉम दी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड वी कैन टेक दी दिस सर्विस फॉर आवर बिजनेस पर्पज, ओके। तो जो जहाँ पे हम सर्वर का वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, स्टोरेज का वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे पॉसिबल। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दीज आर दी लेयर्स ऑफ, है ना, लेयर्स ऑफ क्लाउड, और वी कैन से कि दीज आर दी बेसिकली क्या है, ये हमारी सर्विसेज जो कि क्लाउड हमको क्लाउड, है ना, क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हमको प्रोवाइड कर रहा है। बट जो भी कंज्यूमर इस इन सर्विसेज को यूज करेगा बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो दे हैव टू डू एसेट सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट हम बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये लेयर्स ऑफ द क्लाउड्स आज की क्लास के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ क्लाउड्स और उसके बाद फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स, फिर ये जब दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी तो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाउड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो क्लाउड रेफरेंस आर्किटेक्चर या क्लाउड आर्किटेक्चर मॉडल, तो ये आज की क्लास में समझ में आए। हेलो, शालिनी, मोही, यस सर, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, है ना। थैंक यू।